हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशिमा। मेरे चैनल कुक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने सिंपल सी थाली बनाई है। हर रोज़ स्पेशल बनाया जाए ये ज़रूरी तो नहीं, कभी कभी सिंपल भी खाने का मन करता है। तो आज मैंने एक कोशिश की है, सिंपल सा खाना आपके साथ शेयर किया है, सिंपल से दाल चावल। और यहाँ पर मैंने दाल को हांडी में बनाया है, बिल्कुल लंगर वाले स्टाइल से। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो सिंपल सी थाली की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दाल से। यहाँ पर मैंने दो दालें ले ली हैं। एक ले ली है मैंने उड़द छिलका, जो कि काली आधी टूटी हुई छिलके वाली दाल आती है वो ले ली है। और एक ले ली है मैंने चने की दाल, जो मोटी मोटी आती है। तो अब इन दोनों दालों का यूज़ करके मैं बहुत ही टेस्टी लंगर वाली दाल बनाने वाली हूँ। एक कप ले ली है मैंने यहाँ पर उड़द छिलका और आधा कप ले लूँगी चने की दाल। तो हम इन दोनों दालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे 2 से 3 बार और जितना भी गंध है इसमें से निकाल लेंगे अच्छे से। ज़्यादातर गुरुद्वारों में यही दाल बनाई जाती है, लंगर वाली। एकदम काली होती है उनकी दाल और सादी सी दाल भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने भी आज एक कोशिश की है, सादा सा खाना जो मैंने बनाया अपने घर पर आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब कुकर में ये सारी दाल डाल देंगे और 2 से 3 कप यहाँ पर पानी डाल देंगे। पानी सिर्फ उतना चाहिए कि दाल भीग जाए और थोड़ा सा ऊपर आए पानी, ताकि जब आप इसे बॉयल करें, इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएं, तो पानी पूरा सूख ना जाए। और साथ में डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और इसे लंगर वाला टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल भी। तो मैंने 2 चम्मच के करीब यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है और इसे अच्छे से मिलाएंगे। बस अब इसे बंद करके फटाफट से हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने का वेट करना है। जैसे ही 1 सीटी आ जाती है, फ्लेम को लो कर कर इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देना है। अब ये देखिए 1 सीटी आ चुकी है, तो अब मैं इसे फ्लेम को लो कर दूंगी एकदम और 20 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक दाल बॉयल होती है तब तक हांडी में फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 चम्मच देसी घी। इस दाल को आप देसी घी में बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। आप सरसों का तेल यूज़ करना चाहते हैं, रिफाइंड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा जीरा, और जीरे को थोड़ा क्रैकल कर लिया है, भून लिया है। और अब डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये पेस्ट मेरा घर का बना हुआ है, अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से यहाँ पर भुन गया है। मैंने यहाँ पर 2 प्याज बारीक बारीक काट कर डाल दिए हैं और इन प्याज़ों को लाइट ब्राउन कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए थोड़ी ही देर के बाद इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, बस इतना ही कलर चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे। तो अब मैं डालूंगी यहाँ पर 3 टमाटर, और इसे मैंने कद्दूकस करने वाले से कद्दूकस करके रख लिया था और वही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब डालेंगे यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि अदरक लहसुन की पेस्ट में भी नमक रहता है, तो मैंने यहाँ पर हल्का सा ही नमक और डाला है। और मैं दाल को बॉयल करते हुए भी पहले से नमक डाल चुकी हूँ। अब डालेंगे यहाँ पर कुछ मसाले, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा मीट मसाला। आप चाहें तो किचन किंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीट मसाले का यूज़ किया है, कोई खड़े मसाले का यूज़ नहीं किया है इसमें। बस थोड़ा सा पानी डालकर अब थोड़ी देर के लिए इस मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। हांडी वाली दाल बहुत टेस्टी बनती है और देसी घी का तड़का है तो इसका फ्लेवर तो वैसे ही 4 चांद लगने वाले हैं। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये मसाला मेरा कितना अच्छे से भुन चुका है। सारे टमाटर प्याज आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर डालूंगी अब बॉयल की हुई दाल। 20 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और पूरी सीटी निकलने के बाद ही मैं यहाँ पर दाल को डाल रही हूँ। अब इसे मिलाएंगे और इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, जितनी गाढ़ी और जितनी पतली आपको ये दाल चाहिए। तो बस अब मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। अब इस दाल को थोड़ी देर के लिए कड़ने के लिए छोड़ देंगे। जितना आप इसे कड़ाएंगे ये उतनी ही अच्छी बनती चली जाएगी। ये देखिए एकदम खड़ा खड़ा दाना है।
20 मिनट में बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती है ये दाल। और ये देखिए इसमें बॉयल भी आ गया है, तो बस इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर रख कर करने देंगे। थोड़ा सा करने के बाद इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, खूब सारा डालेंगे क्योंकि धनिए का फ्लेवर दालों में सब्जियों में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये दाल मेरी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। आज बहुत ही सिंपल सा खाना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे दाल तो अपने घरों में हर कोई बनाता है, लेकिन हर कोई अलग-अलग तरीके से बनाता है अपने अपने घरों में, तो मैंने अपना तरीका आपके साथ शेयर किया है। मैंने यहाँ पर स्लिट की हुई हरी मिर्चें भी डाली हैं। इसमें से आप चाहें तो बीज को हटाकर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बीज के साथ ही डाली है क्योंकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर होता है, फ्रेशनेस होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। और अब बना लेंगे फटाफट से राइस। मैं यहाँ पर मटर वाला पुलाव बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी डाला है कुकर में और थोड़ा सा जीरा डाल कर उसे क्रैकल कर लिया है। और डालेंगे थोड़ा सा फ्रोज़न मटर, एक कटोरी जितना ले लिया है मैंने। इसे थोड़ा सा चला लेंगे इसमें। और अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पर चावल। इन चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, 1 गिलास चावल लिया है मैंने। इन चावलों को पहले से मैंने भिगो कर नहीं रखा है, मेरे चावल अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर आप नॉर्मल नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आप पहले से उन्हें थोड़ा सा भिगो लें आधे घंटे के लिए। मैं यहाँ पर बिना भिगोए ही इन चावलों को बना रही हूँ। ये एकदम खड़े खड़े बहुत ही अच्छे बनकर रहने वाले हैं, खिला खिला चावल बनकर आएगा जैसे बासमती का होता है। तो अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास डालेंगे पानी। जब कुकर में चावल बनाते हैं तो 1.5 गिलास पानी डलता है, पर जब आप कढ़ाई में बनाते हैं तो 2 गिलास पानी डलता है 1 गिलास चावल में। तो बस अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है, आप चाहें तो नमक को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं कि पानी में नमक कम तो नहीं है। बस अब कुकर को बंद करेंगे, इसकी 1.5 सीटी बजवानी है, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। 1 सीटी बज चुकी है, अब 2nd सीटी जैसे ही बजेगी फटाफट से गैस को बंद करना है। तो ये देखिए अब मैं पूरी सीटी निकल चुकी है, मैंने तभी कुकर खोला है। और मैं अब आपको राइस दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा खड़ा खड़ा राइस बनकर रेडी हुआ है। ये बासमती राइस नहीं है, लेकिन ये उसी के टक्कर का अच्छा वाला राइस है। आप जहाँ से भी राशन लेते हैं, आप उनसे अच्छे से अच्छे वाला राइस लें। एकदम खड़ा खड़ा खिला खिला राइस बनकर रेडी होगा। बस 1 सीटी पूरी बजवानी है और 1 आधी बजती है फटाफट से गैस को बंद कर देना है। और ये देखिए दाल कितने अच्छे से रल मिल चुकी है, बहुत ही अच्छी लंगर वाली दाल बनकर रेडी हो गई है। इसमें देसी घी का फ्लेवर, हरी मिर्च का फ्लेवर, बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स हैं इसमें। एकदम सिंपल सा सादा सा खाना, जैसे आप गुरुद्वारों में जाके खाते हैं, मैंने बिल्कुल वैसे ही इसे घर पर बनाया है। और अब ले लेंगे साथ में यहाँ पर बूंदी वाला रायता। इस रायते में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, दही लेकर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर मैंने अच्छे से फेंट लिया है और ऊपर से डाल दी है बूंदी। तो बस ये बूंदी वाला रायता भी बनकर रेडी हो गया है। खिले खिले राइस देखिए कितने खिले खिले से हैं। तो आज मैंने एक कोशिश की, सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।